एक बार एक बड़े राज्य के राजा को एक सन्यासी से प्रेम हो गया। सन्यासी रहता था राज्य के पास वाले एक जंगल में। वह एक पेड़ के नीचे अपनी धुनी रमाए बैठा रहता, अपनी मस्ती में मस्त, बिना किसी चिंता, बिना किसी तनाव के। उसकी शांति लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती। जो भी उसके पास बैठता उसका मन भी शांत हो जाता। उस सन्यासी की अद्भुत शांति लोगों से दुलार करती, उनको अपनी तरफ चुंबक की तरह आकर्षित करती। आसपास के गांव के लोग जब भी अपनी कोई समस्या लेकर उस सन्यासी के पास आते तो वह झट से उन्हें उनकी समस्या का समाधान सुझा देता। उस सन्यासी की प्रसिद्धि दूर गांवों तक फैल चुकी थी। धीरे धीरे ये बात राज्य के राजा तक पहुंची, तो एक दिन राजा भी अपने मंत्री के साथ उस सन्यासी से मिलने पहुंचा। सन्यासी की आंखों की करुणा, शब्दों की मिठास और अद्भुत शांति ने राजा को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। अब तो राजा रोज शाम को राजकाज के कामों से थोड़ा वक्त निकालकर सन्यासी से मिलने आने लगा। धीरे धीरे राजा का सन्यासी के प्रति प्रेम इतना प्रगाढ़ हो गया कि अब तो वो सन्यासी से एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना चाहता था। एक शाम वह जिद में अड़ गया कि आज तो आपको मेरे महल में चलना ही पड़ेगा। सन्यासी ने खूब मना किया, तरह तरह के कारण बताए, लेकिन राजा ने सन्यासी की एक न सुनी। अंततः सन्यासी को राजा के महल आना ही पड़ा। राजा महल में सन्यासी को अपनी ही तरह की सुख सुविधाएं देता, उसे पूरा मान सम्मान देता। राजसभा में सन्यासी राजा से केवल एक सीढ़ी नीचे की कुर्सी पर ही बैठता। दोनों हमेशा साथ रहते। एक बार दोनों एक जंगल में शिकार के लिए गए और शिकार का पीछा करते करते रास्ता ही भटक गए। दोनों अकेले ही गए थे, उनके साथ कोई सैनिक इत्यादि नहीं था। सन्यासी, राजा और उनका घोड़ा, ये तीन ही थे। रास्ता खोजते खोजते सुबह से शाम हो गई, लेकिन उन्हें महल वापस लौटने का रास्ता नहीं मिला। दोनों बहुत थक चुके थे और उन्हें जोरों की भूख भी लगी थी, लेकिन कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। तभी राजा की नज़र वृक्ष पर लगे एक फल पर पड़ी। उस वृक्ष पर केवल एक ही फल लगा हुआ था। राजा ने तुरंत पेड़ पर चढ़कर उस एक फल को तोड़ दिया। भूख के मारे राजा का मन तो कर रहा था कि वो उस पूरे ही फल को खा ले, लेकिन वो उस सन्यासी से प्रेम ही इतना करता था कि वो उसे बिना खिलाए कुछ भी नहीं खाता था। राजा ने फल के 6 टुकड़े किए और उसमें से 3 टुकड़े सन्यासी को देने लगा। पहले तो सन्यासी ने फल लेने से मना किया, लेकिन फिर राजा के बार बार आग्रह करने पर उसने वो 3 टुकड़े ले लिए और उन्हें खाने लगा। अपने हिस्से के फल खाने के बाद सन्यासी ने कहा, वाह अद्भुत, मजा आ गया। इतने स्वादिष्ट फल तो मैंने अपनी जिंदगी में आज से पहले कभी नहीं खाए। कृपया कर एक फाँक और दे दें। वह राजा उस सन्यासी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसने अपने हिस्से में से फल की एक फाँक सन्यासी को और दे दी। वह सन्यासी उस फाँक को खाने के बाद कहता है, अद्भुत अति स्वादिष्ट, कृपया कर एक फाँक और दे दें। उस सन्यासी की यह बात सुन राजा को थोड़ा जाति तो मालूम पड़ती है, क्योंकि फल एक ही था और भूखे दोनों थे। लेकिन उस राजा का उस सन्यासी के प्रति प्रेम ही इतना था कि वह अपने हिस्से में से दूसरी फाँक भी उस सन्यासी को दे देता है। वह सन्यासी झट से उस दूसरी फाँक को भी खा लेता है और कहता है, वाह बहुत खूब आनंद आ गया, अगर एक फाँक और मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए, कृपया कर एक फाँक और दे दीजिए। यह सुन राजा उस सन्यासी से कहता है, यह तो गलत है, भूखा तो मैं भी हूँ, कम से कम एक तो खाने दो। तभी सन्यासी लपक कर राजा के हाथ से वह आखिरी फाँक भी छीन लेता है। राजा ने कहा, रुको अब तो तुम सारी सीमाएं लांघ रहे हो, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, क्या तुम मुझसे जरा भी प्रेम नहीं करते? क्या तुम्हें मेरी भूख नहीं दिख रही? मैं भी तो तुम्हारे साथ सुबह से भटक रहा हूँ। इतना कहकर राजा ने वह आखिरी फाँक सन्यासी के हाथ से छीन ली और अपने मुँह में रख लिया। जैसे ही राजा ने उस फाँक को अपने मुँह में रखा, तुरंत ही उसे थूक दिया, क्योंकि वह फल कड़वा जहर था, इतना कड़वा जिसकी कोई सीमा नहीं। राजा ने उस सन्यासी से कहा, तुम पागल हो, इतना कड़वा फल तुमने कैसे खा लिया? तुमने मुझसे शिकायत क्यों नहीं की? उस सन्यासी ने कहा, जिन हाथों से इतने मीठे फल खाने को मिले हैं उनकी शिकायत, वो भी सिर्फ एक कड़वे फल के लिए, उचित ना थी। यह सुन राजा उस सन्यासी को अपने गले से लगा लेता है। दोस्तों, वह राजा हमारी जिंदगी है और वह सन्यासी हम खुद। हमारी ज़िंदगी ने हमें ना जाने कितने सारे मीठे फल दिए हैं, लेकिन हम हमेशा उन थोड़े से कड़वे फलों के लिए शिकायत करते रहते हैं जो ज़िंदगी ने हमें दिए हैं। हमारी ज़िंदगी में हजारों अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन हम कुछ थोड़ी सी खराब चीज़ों के लिए हमेशा रोते रहते हैं। ज़िंदगी को, किस्मत को, माँ बाप को, परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं, जबकि जीवन की ज़्यादातर परेशानियाँ हमने खुद ही पैदा की होती हैं अपने समय को बर्बाद करके।
लालच करके, झूठ बोल के, मेहनत ना करके। लेकिन हम खुद के अंदर झांकने की बजाय दूसरों को दोष देते रहते हैं। हम जिंदगी की अच्छाइयों को देख ही नहीं पाते, बस इसी बात में उलझे रहते हैं कि जीवन में कौन कौन सी कमियां हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है हमारे दुख की, चिंता की, परेशानी की, असफलता की। क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है, हम उसके लिए आभार से नहीं भरे हुए हैं, हमारे अंदर केवल शिकायतें हैं। इसलिए जो कुछ भी आपके पास है, उसके लिए अहोभाग्य से भर जाओ, धन्यवाद अदा करो उस ब्रह्मांडी शक्ति का आपको ये सब देने के लिए। हम जिस भी चीज़ के लिए आभार से भर जाते हैं, वो चीज़ें कई गुना होकर हमारे पास वापस आती हैं। इसलिए आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि वो कई गुना होकर आपके पास वापस आए, तो आप हर उस चीज़ के प्रति अहोभाग्य से भर जाओ। फिर चाहे वो धन हो, अच्छे रिश्ते हों, मान सम्मान या पद प्रतिष्ठा, अचानक से आप महसूस करेंगे कि जिन चीज़ों, जिन रिश्तों से आपको खुशी नहीं मिल रही थी, जो चीज़ें आपको व्यर्थ लगती थी, जिनके लिए आपके अंदर कोई सम्मान नहीं था, आप उनसे संतुष्ट नहीं थे, उन्हीं चीज़ों, उन्हीं रिश्तों से आपको खुशी मिलने लगी है, आप ज़्यादा संतुष्ट और खुश रहने लगेंगे। धन्यवाद का भाव, यानी पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, इंसानी जीवन के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि ये हमारे विचारों को पॉजिटिविटी की ओर लेते हैं। अगर हम एक कागज़ देकर उसमें एक तरफ ये लिखें कि हमारे पास क्या क्या है, और दूसरी तरफ ये लिखें कि जीवन में कौन कौन सी कमियां हैं, तब हम जान पाएंगे कि जो अच्छी चीज़ें हमारे पास हैं, उनकी लिस्ट तो खत्म ही नहीं हो रही। लेकिन कागज़ के दूसरी ओर कि जीवन में कौन कौन सी कमियां हैं, तो हम पाएंगे कि वहां केवल इतनी ही कमियां हैं जिन्हें हम अपनी उंगलियों में गिनकर ही खत्म कर सकते हैं, जैसे कि धन की कमी, समय की कमी, रिश्तों में कड़वाहट इत्यादि। और जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि जीवन की ज़्यादातर समस्याएं हमारी खुद की बनाई हुई हैं। अगर हम चाहें तो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करके, अपने समय का सही उपयोग करके, अपने रिश्तों को थोड़ा सा ज़्यादा समय और सम्मान देके, अपने जीवन की ज़्यादातर समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। लेकिन हमारा ध्यान समाधान की बजाय समस्या की तरफ ज़्यादा होता है, और यही हमारे दुख और तनाव का एक बड़ा कारण है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे आसपास ही ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके लिए हम ईश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। स्वच्छ हवा, पीने के लिए साफ पानी, स्वस्थ शरीर, हमारी आँखें, हमारे कान, हाथ पैर इत्यादि। अच्छी आँखों का होना कितना बड़ा सौभाग्य है, यह उस इंसान से पूछो जो अंधा है। अच्छे कानों की कीमत उससे पूछो जो बहरा है। स्वस्थ शरीर का महत्व उससे पूछो जो बीमार है। अगर ऐसे लोगों को इच्छित वरदान प्राप्त करने का केवल एक मौका मिले, तो ये लोग सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ करने का वरदान मांगेंगे। इसलिए अगर हमारे पास एक स्वस्थ शरीर है, तो इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद तो बनता है। अगर आज रात हम अच्छा खाना खा पा रहे हैं, तो इसके लिए भी ईश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि आज रात दुनिया में लाखों लोग भूखे सोने वाले हैं। कम से कम हम उनमें से तो नहीं हैं। अगर हम हर चीज़ के लिए धन्यवाद के भाव से भरे हुए हैं, तो हम खराब से खराब परिस्थिति में भी खुश रहना सीख जाते हैं। पुराने चाइना में एक बहुत बड़ा सन्यासी हुआ, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। एक बार वह अपने कुछ शिष्यों के साथ नदी से स्नान कर वापस लौट रहा था, तभी अचानक उसका पैर रास्ते में पड़े एक पत्थर से टकरा गया। उसके अंगूठे में जोरों की चोट लगी और उसका पूरा पैर लहूलुहान हो गया। लेकिन उस सन्यासी ने तुरंत ही उस पत्थर को उठाकर रास्ते से किनारे फेंका और हाथ जोड़कर परमात्मा का धन्यवाद करने लगा। यह देखकर उसके शिष्य ने पूछा, आप यह क्या कर रहे हैं, यह भी कोई धन्यवाद करने वाली बात है? सन्यासी ने कहा, धन्यवाद कर रहा हूँ कि सिर्फ अंगूठे की चोट से ही काम हो गया, वरना इस ठोकर की वजह से सर के बल भी गिर सकता था, सर भी फूट सकता था, जान भी जा सकती थी। इसलिए धन्यवाद कर रहा हूँ कि सिर्फ इतना सा दर्द देकर ही मुझे बड़े दर्द को सहने से बचा लिया। अगर ऐसे इंसान को कोई कष्ट भी होता है, तब भी वह आभार प्रकट करता है कि चलो इतने कष्ट से ही काम चल गया, वरना ज़्यादा भी सहना पड़ सकता था। अब ऐसी सोच रखने वाले इंसान को कौन सी परेशानी दुख दे सकती है? इसलिए कहा जाता है कि धन्यवाद का भाव बड़े से बड़े दुख को भी सहने की क्षमता देता है। इसलिए अहोभाग्य से भरो उन सारी सकारात्मक चीज़ों के लिए जो आपके पास हैं। यही तनाव और चिंता से मुक्ति का सूत्र है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।